भगवान विश्वेश्वर की भूमि काशी, तीर्थों में श्रेष्ठ काशी, जहां साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं, इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है। अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है। कला, संस्कृति और शिक्षा की बात हो तो सबके होठों पर बनारस का नाम आता है, परंतु जब धर्म और आध्यात्म का जिक्र हो तो सभी के मन मस्तिष्क पर काशी का रूप छा जाता है। एक शहर दो नाम, अनेक विविधताओं से परिपूर्ण ये काशी धाम अपने जीवन को मोक्ष पथ पर ले जाने के लिए क्यों ना आज हम भी काशी दर्शन करें। किरणों के प्रस्फुटित होते ही संपूर्ण गंगा तट मंदिरों के घंटनाद से गूंजने लगता है। गंगा के पावन जल में स्नान कर सभी बाबा विश्वनाथ धम्म शरण गच्छामि। काशी में अनेक घाट हैं और इन सबके समीप किसी न किसी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करने अब हम गंगा तट आ पहुंचे हैं। ये है पंचगंगा घाट स्थित श्री मठ। कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर तस्मै श्री गुरवे नमः। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकार मलेश्वरं परराम वैद्यनाथं च डाकिनां भीमाशंकरं सेतु बंधे तो रामेशं नागेशं दारुकावने वारण्यासां तु विश्वेशं त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे हर 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 ओम नमो शिवाय। हर हर हरे हरे भोले नमः शिवाय।
और जो के अहिंसा परम धर्म ईश्वर मानव सृष्टि की मैया की जय। Yeah.